हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमन किचन एंड लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गुलगुल मिठी का पैर धो रही हैं। ये हमारी दीदी लगती हैं और ये बगल में ही रहती हैं, तो ये बुला के ले गई हैं। और आज शुभ नवमी है, तो यहाँ पे ये नवमी के दिन कन्या भोजन कराती हैं। तो ये आज हमारी दोनों लड़कियों को लेके गई हैं और सारी लड़कियाँ हैं। तो यहाँ पे ये नौ लड़की और एक लड़का भैरव बाबा ये खिलाती हैं, और ये नौ दिन का व्रत रखती हैं फ्रेंड्स, इसलिए नौ कन्या को खिलाती हैं, कुंवारी कन्याओं को। और 12 साल के अंदर में ही ये खिलाती हैं, ज़्यादा बड़े बच्चों को ये नहीं खिलाती हैं। तो बहुत से जगह मैंने ऐसा देखा है, बड़े बच्चों को भी खिलाया जाता है, बट बलिया में नहीं खिलाया जाता है। बलिया में बस 12 साल की लड़कियों को ही खिलाया जाता है, उससे कम के ही, लास्ट 12 साल, उसके बाद से नहीं खिलाया जाता है। क्योंकि अब वो बोलते हैं ऐसा ही कुछ कि कन्या नहीं होती है, अब वो बड़ी हो गई हैं। तो यहाँ पे ये कन्या भोज करा रही है, तो मैंने सोचा आप लोग के लिए थोड़ा सा ये क्लिप ले ली हूँ। देखिए यहाँ पे पैर ये महावर लगा रही है, और यहाँ पे खाने के लिए बैठा दी हैं बच्चों को। और देखिए कितनी अच्छी अच्छी दुर्गा जी जैसी लग रही हैं सारी लड़कियाँ, नौ कन्या ये खिलाती हैं। तो मैं जाके उनके घर आप लोगों के लिए ये वीडियो शूट करके आई हूँ, ताकि आप लोग देख सको हमारे बलिया में ऐसा रिचुअल है, या फिर कहीं भी। कलकत्ता में तो अष्टमी के दिन ही खिलाया जाता है, और यहाँ पे बलिया में नवमी के दिन ही खिलाया जाता है। और देखिए बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं, सच में लग रहा है कि माँ दुर्गा आ गई हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, तो मैंने आप लोगों के लिए लेके आया है, यहाँ पे वीडियो बना ली हूँ इनके घर जाके। और ये हमारी पड़ोसी भी हैं और हमारी दीदी भी हैं। से करके ये काफ़ी जगह गई हैं, लोग आके माँ दुर्गा जैसा इनको आदर करके ले जा रहे थे अपने अपने घर, तो आप लोग भी देख लीजिए। ये देखो मेरा दुर्गा जी जैसा लंबा बाल है, ये तो कैसी पूरे तुम ही दिखा दो। मैं ऐसे गोल गोल भी घूम सकता हूँ, मैं भी घूम सकता हूँ। बस बस हो गया फ्रेंड्स, मेरी दुर्गा जी आ गई, और सुबह से ये नहीं गई थी, घर में ही नहीं थी सुबह से। फिर ये लोग आई तो मैं इन लोगों का भी पैर छू के उसके बाद अपना ब्लॉग स्टार्ट की। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमन किचन एंड लाइफ स्टाइल, और हमारे तरफ से सभी को हैप्पी नवमी, शुभ नवमी। जो भी हमारे बंगाली फ्रेंड्स हैं उनको शुभ नवमी, और जो लोग हमारे मतलब हमारे कास्ट के हैं उनको हैप्पी नवमी। तो बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपना ये ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए, मैंने दुर्गा को दिखाया है, नौ कन्या को देखिए, एक मैजिक दिखाऊं आपको, इधर आ जाइए, ये देखिए दिल है, अब देखिएगा। ये देखिए दोनों को मैंने आज के लिए ये नया नया ड्रेस खरीद के दिया था, और वहाँ पे कलकत्ता में हम लोग जब रहते थे फ्रेंड्स, तो हमारे पापा षष्ठी से ही हम लोग को ड्रेस खरीद देते थे, षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी और दसवीं के दिन तक हम लोग ड्रेस पहनते थे। 5-6 ड्रेस हम लोग को पापा खरीदते थे, और हम लोग हर एक दिन नया नया ड्रेस पहनते हैं, और वो दिन आज भी महसूस करते हैं और बहुत मिस करते हैं। तो चलिए फिर बाद में बात करते हैं, थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई हूँ, बाद में मिलते हैं। तो हम लोग शाम को घूमने जाएंगे, तो आपको भी लेके साथ चलेंगे, तो चलिए मिलते हैं शाम को। इधर देखो माँ, छोटी कथा हो गई, हाँ छोटी अच्छी लगी ना अब।
हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग घूमने चलेंगे और देख लीजिए मेरा ड्रेस। देख लीजिए हमारा ड्रेस, ये पहन के हम आज जाएंगे घूमने के लिए। तो चलिए आपको भी लेके साथ में चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग रेडी हैं चलने के लिए। चलिए चलते हैं, घूम के आते हैं। चलो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और प्लीज़ फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर, आई लव यू, बाय बाय।